गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रीक्लेम्शिया के बारे में अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो प्रीक्लेम्शिया में अपना जो देखा था अपन ने कि इसकी जो डेफिनेशन थी, जो अपना जो टॉपिक है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी, जिसमें प्रीक्लेम्शिया के पढ़ रहे थे। प्रीक्लेम्शिया में अपना पैथोफिजियोलॉजी हो गया था, डेफिनेशन हो गया था, क्लिनिकल टाइप्स के जो टाइप्स थे इनके साइन सिम्टम वो हो गए थे, क्लिनिकल फीचर्स कंप्लीट हो गए थे अपने, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने कॉम्प्लिकेशंस देखे थे। तो उसके बाद अपना मैनेजमेंट चल रहा था। मैनेजमेंट में मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में बता दिया था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोग्रेस चार्ट था वो बता दिया, फेवरेबल साइन कौन कौन से होते हैं वो बता दिया, इसके हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है वो कौन कौन से होती है वो इसके अंदर मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो मैनेजमेंट चल रहा था, आज फाइनली मैनेजमेंट है कि आज इसका मतलब बोल सकते हैं फिर प्रीक्लेम्स आपका ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर आज, ठीक है। फिनिश कर देंगे आज इसको अपन, छोटा सा थोड़ा सा रहा है वो अपन देख लेते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर देख रहे हैं, तो उसके अंदर नेक्स्ट बात करेंगे अपन ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट की। प्रीक्लेम्शिया का पेशेंट अगर अगर अपन को मान लो एक कोई पेशेंट है, कोई लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट है, अगर वो प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन में है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो कितने ड्यूरेशन तक चलेगा, ठीक है। ड्यूरेशन अपन देखेंगे किस तरीके से, उसके ट्रीटमेंट उसके किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट अपना जो प्रीक्लेम्शिया कंडीशन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो अपन देखेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर देखा हुआ है, द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्रीक्लेम्शिया टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी डिलीवरी की बात कर सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट है प्रीक्लेम्शिया के जिसे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है मतलब एक तरीके से बोला डेफिनेटिव प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट ऑफ उसको डिपेंड करता है। द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ प्रीक्लेम्शिया, कि उसकी सीवियरिटी कितनी है। मान लो ऐसी कंडीशन हो उसके हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो रखा हो, बहुत ज़्यादा कंडीशन हो हाइपरटेंशन अनकंट्रोलेबल हो, फेवरेबल कंडीशन में नहीं हो, फेवरेबल कंडीशन में अगर मान लो कंडीशन ऐसी हो कि 30 मतलब 30 वीक की प्रेगनेंसी हो, 30 वीक की प्रेगनेंसी हो, प्रीक्लेम्शिया कंडीशन बहुत सीवियर हो, तो एक तरीके से उसको डिलीवर भी नहीं करा सकते। अरे मान सकते हैं सपोज कर लो 37 वीक की प्रेगनेंसी और प्रीक्लेम्शिया कंडीशन, तो डिलीवर भी करा सकते नहीं करा सकते। तो सीवियरिटी ऑफ प्रीक्लेम्शिया कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है उसके ट्रीटमेंट की कितनी कंडीशन उसकी सीवियरिटी है या नहीं है। नेक्स्ट बात करें ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितना है, 30 वीक का है, 34 वीक का है, 36 वीक का है, 37 वीक का है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से ड्यूरेशन चल रहा है, मतलब कौन सा वीक चल रहा है, कौन सी गेस्टेशन एज है। सो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट का अपन को एडवाइस करनी पड़ती है, उसको ट्रीटमेंट उसके प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, कि जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, किस तरह से अगर मान लो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है वो अपन उसके अंदर देखते हैं। कंडीशन ऑफ द सर्विस, सर्विस की कंडीशन में देखते हैं कि सर्विस की कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो अपन इसमें देखते हैं कंडीशन देखेंगे, तो कंडीशन से पता लग जाएगा कि अगर मान लो कोई 37 वीक की प्रेगनेंसी हो या 34-5 वीक की प्रेगनेंसी हो, 36 की वगैरह प्रेगनेंसी हो, तो उसको अपन क्या देखते हैं, उसके अंदर सर्विस देखते हैं कि सर्विस डायरेक्ट हुआ है नहीं हुआ, जी उसके अंदर रिप वाली कंडीशन है या अनरिप वाली कंडीशन है वो भी अपन इसके अंदर देखते हैं नहीं देखते हैं वो अपन से पता चलता है। तो ड्यूरेशन और ट्रीटमेंट उसके अपन अकॉर्डिंग अपन डिपेंड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है। कोई भी मैटर में प्रोग्रेसिव और फिटस की जो मैच्योरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट किस तरीके का है, या 37 वीक से कम है या 37 वीक से ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ड्यूरेशन और ट्रीटमेंट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन बात करते हैं कंप्लीट रिमिशन ऑफ ऑल साइन एंड सिम्टम इज अनकॉमन अंटिल आफ्टर डिलीवरी एंड द अंडरलाइंग डिजीज पैथोलॉजी का परसिस्टेंट, मतलब बात सकते हैं कि कंप्लीटली जो साइन एंड सिम्टम है अनकॉमन है अंटिल आफ्टर डिलीवरी, कि एक तरीके से आफ्टर डिलीवरी तक, डिलीवरी होने के बावजूद भी बाद भी अपन के साइन सिम्टम कहीं कहीं अपन को दिखाई देते हैं, अनकॉमन होते हैं इस तरीके से अपने का अंटिल द आफ्टर डिलीवरी एंड द अंडरलाइंग डिजीज पैथोलॉजिकल परसिस्टेंट, ये कंटिन्यूस भी चल सकता है, कंसिस्टेंट कंटिन्यूस पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि फिजियोलॉजी कंडीशन में इसमें पैथोलॉजिकल परसिस्टेंट जरूर कंटिन्यूस रहता है। तो इसके अंदर डिवाइडेड किया है कि ग्रुप के अकॉर्डिंग इसने डिवाइडेड किया है कि जो बोल सकते हैं अपन की जो साइन सिम्टम के अकॉर्ड जो बोल सकते हैं अनकॉमन जो प्रेगनेंसी है या बोल सकते हैं कि प्रीक्लेम्शन कंडीशन ग्रुप के अकॉर्डिंग इसको डिवाइडेड किया है। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर देखेंगे परसिस्टेंट कब तक रहती है, कैसे अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ग्रुप ए के अंदर बात करते हैं इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिमोट फ्रॉम टर्म, जबकि जो ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन बोल सकते हैं 30 वीक का है, 34 वीक का है, उसके जो रिमोट ऑफ टर्म द पेशेंट इज मे बी डिस्चार्ज विद द एडवाइस टू अटेंड द एंटीनल क्लिनिक आफ्टर 1 वीक, कि अपन बात कर सकते हैं कि अगर मान लो कि सपोज करो कि प्रेगनेंसी कम एज की है, बहुत सारे गेस्टेशन एज बहुत कम वीक की है और उसको डिलीवर भी नहीं करा सकते, उसको एंटीनेटल के अपन जो
प्रोवाइड करा रहे हैं कि एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई एडवाइस कर रहे हैं, तो मे बी उस टाइम पे क्या हो सकता है, पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है। दीज वुमेन आर नॉट क्योर द मेजोरिटी 9% डेवलप रिकरेंस। बच्चे मतलब एक तरह से होता है जो वुमेन है जो प्रेगनेंट लेडी है उसके क्योर होने के चांसेस तो कम है कि 90% मेजोरिटी उसके डेवलप इंक्रीज होना उस चीज का बढ़ जाना कि नॉट क्योर, ऐसे मेजोरिटी 90% चांसेस होते हैं। पर इसके अंदर बता सकते हैं ग्रुप ए के अंदर जो पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी गेस्टेशन एज कम हो या वीक्स जो कम हो, प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बहुत कम होता है, तो उसे पेशेंट को अपन डिस्चार्ज भी करते हैं विद एडवाइस टू अटेंड द एंटीनेटल क्लिनिक आफ्टर 1 वीक के बाद में, जो भी होता है उसको क्लिनिक को अपन एडवाइज कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। ग्रुप बी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर प्रेगनेंसी क्या होती है, 37 वीक कंप्लीट हो गया है या बिफोर उससे पहले हो गया हो, तो इफ़ द प्रेगनेंसी बियॉन्ड द 30 वीक कंप्लीटेड वीक डिलीवरी द कंसाइडर विदाउट डिले, मतलब डिले होने से पहले मतलब 36 वीक्स के बियॉन्ड आसपास हो या 30 वीक्स से पहले हो वो कंडीशन है, या लेस 36 7 वीक्स एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट में बी एक्सटेंडेड जुडिशियल एटलीस्ट टू 34 वीक्स। अपन बात करेंगे कि 37 वीक से कम हो, वीक से कम हो पर अपन ट्रीटमेंट जो भी एक्सटेंड कर सकते हैं जुडिशियल अकॉर्डिंग अपन जो होते हैं कानून के अकॉर्डिंग, एटलीस्ट अपन को 34 वीक्स तक इसको क्या करना है, जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करानी है उसके बाद अपन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करानी ही पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन इसके अंदर कि अपन उसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर अपन इसके अंदर बात करेंगे ग्रुप बी के अंदर अपन यही बोल सकते हैं कि अपन 36 ट्रीटमेंट जो है एक्सटेंड जुडिशियल के अकॉर्डिंग 34 हो गया, केयरफुली मैटरनल एंड फीटल वेलबींग पूरा मॉनिटर ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में अपन को चेक करना जरूरी है मैटरनल ठीक है फीटल ठीक है, तो अपन को इससे लेस देना उस कंडीशन में ग्रुप बी के अंदर अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, ग्रुप सी के में क्या होता है कि द कपल इज कंसिल्ड काउंसिल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कंसाइडर द इररेस्पेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन, कि अपन कपल्स को कहीं काउंसिल करते हैं कि क्या कंडीशन है, कैसी काउंसिल करके पता चलता है कि अबॉर्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वो कंडीशन जो बताए जाते हैं अपन बताया जाता है टर्मिनेशन करना चाहते हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसाइडर इररेस्पेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन, इररेस्पेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या बोल सकते हैं कि उस तक अपन पहुंच नहीं सकते कि मान लो इतनी अर्लियर प्रेगनेंसी मतलब बोल सकते हैं अर्लियर गेस्टेशन एज के अंदर अगर मान लो उस कंडीशन के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर प्रीक्लैम्पसिया कंडीशन हो गई है उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस नहीं रख सकते, तो उस कंडीशन में जो कपल्स होते हैं उनकी काउंसलिंग करना, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताना है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कंसाइडर करना इरेस्पेक्टिव कोई भी ड्यूरेशन ऑफ द गेस्टेशन अकॉर्डिंग, क्या पता कि जल्दी हो या उस कंडीशन में 37 वीक के आसपास हो तो उसको प्रेगनेंसी के बारे में बताना कि डिलीवर करना जरूरी है नहीं करनी है। साथ में कि सीजर जो प्रोफाइल जो सीजर होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है जो प्रीक्लेम्पसिया की जो कॉम्प्लिकेशंस है जो इक्लेम्पसिया की कंडीशन हो सकती है मतलब सीजर्स आना साथ साथ में हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मैग्नीशियम सल्फेट का क्या लगाया जाता है एडमिनिस्टर किया जाता है इंजेक्शन लगाया जाता है शुड बी स्टार्टेड उस टाइम पर क्या कर देना चाहिए स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आगे जो प्रीक्लेम्पसिया की कंडीशन के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस इक्लेम्पसिया की कंडीशन होने वाली है उसको क्या कर सके प्रिवेंट कर सके, क्या कर सके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए सीजर प्रोफाइलिसिस करना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये कंप्लीट रेमिशन से जो ऑल साइन सिम्टम्स जो अनटिल द आफ्टर डिलीवरी तक होते हैं, तो ग्रुप ए के अंदर जो होते हैं ग्रुप ए के अंदर मैंने बताया था कि जो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो तो हो जाती है पर इसमें डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको अपन डिस्चार्ज भी कर सकते हैं बोल सकते हैं एंटीनेटल को अपन एडवाइस करके। ग्रुप बी के अंदर 37 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो अपन को डिलीवरी करना जरूरी है, और 37 वीक जो ग्रुप सी में है कि टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करते हैं कंसाइडर करते हैं रेस्पेक्टिव द ड्यूरेशन पर साथ में जाते हैं सीजर्स के जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं उसको अपन देते हैं, इसमें स्टेरॉइड थेरेपी कंसाइडर करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक फोर की के अंदर प्रिवेंट द जो आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है जो बोल सकते हैं अपन कि जो बच्चा उसके आरडीएस की कंडीशन ना हो उसके लिए बचाने के लिए स्टेरॉइड थेरेपी अपन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अगर मेथड ऑफ डिलीवरी की बात करेंगे, अगर मान लो कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि अपन ने देख लिया कि प्रीक्लेम्पसिया कंडीशन में देख लिया कि हमको जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने रेस्ट प्रोवाइड कराना है डाइट देनी है डायरेटिक्स देना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है या अपन बोल सकते हैं कि अपन को अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और ट्रीटमेंट कितना देना है सब अपन ने देख लिया, अब पता लगे कि अपन को डिलीवरी कराना ज़रूरी है। सपोज कर लो कि 37 वीक का हो या 36 वीक का हो या 38 वीक का हो अगर प्रेगनेंसी है तो डिलीवरी कराना ज़रूरी नहीं, तो क्या डिलीवरी किस तरीके से करा सकते हैं, तो अपन मेथड ऑफ डिलीवरी देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके कारण भी अपन डिलीवरी करा सकते हैं कि प्रीक्लेम्पसिया कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं डिलीवरी करा सकते हैं। तो इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर की बात करेंगे तो इंडक्शन ऑफ लेबर के थ्रू जो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू अपन करवाते हैं तो उस कंडीशन में जो बोल सकते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर है जो अपन करवाना चाहें कि किसी का इंडक्शन ऑफ लेबर है मतलब एक तरह से डिफिकल्टी हो रही है ले डाउन के हार्ड फास्ट रूल्स हैं जो इंडिकेशंस हैं इंडक्शन कराने में वो कौन कौन सी कंडीशन है कि अपन कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं जिसके कारण इंडक्शन ऑफ लेबर अपन करा सकते हैं कि वेजाइनल के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं डिलीवरी करा सकते हैं कि सीजेरियन कराने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है वो अपन देखते हैं। पहली कंडीशन ये है
एग्रीवेशन ऑफ द प्रीक्लेम्पशिया फीचर स्पाइट द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अपीयरेंस नेवर सिम्टम्स सच एज एपिगैस्ट्रिक पेन। मतलब अपन बोल सकते हैं कि प्रीक्लेम्पशिया कंडीशन तो है कि प्रीक्लेम्पशिया की कंडीशन तो है, बट उस टाइम पे फीचर क्या होता है, स्पाइट मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद अपने कोई मेडिकेशन दे दी है या कुछ ट्रीटमेंट दे दिया, तो उसके होने के बाद जो प्रीक्लेम्पशिया के जो फीचर्स हैं वो स्पाइट हो गए हैं ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अपीयर द नेवर सिम्टम्स सच एज द एपिगैस्ट्रिक पेन। आपको एपिगैस्ट्रिक पेन के अलावा आपको देखो सकते हैं सिम्टम, अपन को कुछ भी सिम्टम दिखाई नहीं देता है, एज ए एपिगैस्ट्रिक पेन भी अपन को दिखाई नहीं देगा। एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि अपन को कोई भी सिम्टम अपन को शो नहीं होगा, या बोल सकते हैं पेशेंट से अपन पूछेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बता करेगा नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि अपन ने क्या दे दिया उसको, मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग प्रिस्क्राइब मेडिकेशन दे दिए, जिसके कारण क्या हुआ उसके जो फीचर्स थे प्रीक्लेम्पशिया के वो क्या हो गए, स्पाइट हो गए, बोल सकते हैं वहाँ से चले गए। उस कंडीशन के कारण अपन क्या कर सकते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर अपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन परसिस्टेंट इन स्पाइट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ विथ प्रेगनेंसी रीचिंग 37 वीक और मोर, कि हाइपरटेंशन अगर परसिस्टेंट है कि अपन है कि हाइपरटेंशन कंटिन्यूस, तो स्पाइट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अपन को देना है विद द प्रेगनेंसी रीचिंग 37 वीक तक, अगर पहुंच चुका है हाइपरटेंशन कंडीशन परसिस्टेंट है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देके उसको क्या करना, रिमूव करना। अगर कब, कौन सी कंडीशन के अंदर, जब 37 वीक तक अगर प्रेगनेंट लेडी 37 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है और इससे ज़्यादा हो गई है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट देकर अपन क्या कर सकते हैं, उसको डिलीवर करा सकते हैं। टेंडेंसी ऑफ प्रेगनेंसी द ओवररन ऑफ द एक्सपेक्टेड डेट, अपन क्या करते हैं एक टेंडेंसी ऑफ प्रेगनेंसी टू जो बोलते, एक तो होता है अपन एक्सपेक्टेड डेट अनुमान लगा सकते हैं कि इस डेट में अपन क्या कर सकते हैं, अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं, या अपन डिलीवरी डेट के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं उसको, अपन को पता हो कि यहाँ पर डिलीवरी डेट है, अपन जो एक्सपेक्टेड डेट होती है डिलीवरी डेट होती है वो निकाल सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कि अपन को डिलीवरी कराना ज़रूरी है। तो ओवरियन द एक्सपेक्टेड डेट अपन कर सकते हैं कि उस कंडीशन में प्रेगनेंसी अपन भी कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं वो प्रेगनेंसी ऑफ द टू ओवरियन एक्सपेक्टेड डेट। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिकेशंस है, ये इंडिकेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, उसको इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। मेथड की बात करेंगे अपन इसके अंदर, वैसे मेथड की बात करेंगे तो मेथड में बात करेंगे कि तो मेथड कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कि सर्विक्स राइप हो रही है और एक होती है सर्विक्स इन राइप हो रही है। ठीक है, तो यहाँ यार राइप का मतलब ये है कि राइपनिंग का मतलब होता है कि जो सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सॉफ्टिंग ऑफ सर्विक्स, जैसे अपन कोई कॉन्ट्रेक्शन करे, कॉन्ट्रेक्शन या सर्विकल डायलेटेशन होता है जिससे पासेज ऑफ द फीटस आसानी से हो जाए, वो कंडीशन किसमें कहलाती है, राइपनिंग कहलाती है। बोल सकते हैं सर्विक्स और राइपनिंग जैसे प्रॉपरली प्योरली डेवलप हो चुका है, फीटस का जो बोलते हैं डायलेट प्रॉपरली हो चुका है, सर्वाइकल जो एरिया है, सर्विक्स वाला जो एरिया है प्रॉपरली डायलेट हो चुका है, तो जिससे फीटस का जो है एक्सपेल आउट आसानी से हो जाए। तो इस कंडीशन में होती है कि जो सर्विक्स अगर राइप हो रही है, राइपनिंग होती हो सकती है, तो सर्जिकल इंडक्शन इज द लो रप्चर ऑफ द मेमरीज मेथड ऑफ द चॉइस, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन में बी एडेड, कि यहाँ पर इस कंडीशन है कि सर्विक्स अगर राइप हो रखी है या राइपनिंग हो रखी है, डायलेटेड हो रखी है, तो सर्जिकल इंडक्शन लोअर रप्चर बाय द लोअर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, जो लोअर रप्चर ऑफ द जो लोअर पोल वाली जो मेम्ब्रेन वो क्या करती है, रप्चर हो जाती है। मेथड चॉइस अपन यूज कर सकते हैं इंडक्शन और सर्जिकल इंडक्शन में, जो रप्चर उनके बाद क्या करते हैं वो बाहर की ओर अपन फीटस को निकाल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन में भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं जिससे कॉन्ट्रेक्शन और भी ज़्यादा हो जाए, सर्वाइकल डायलेशन और भी ज़्यादा हो जाए, तो अपन इसके अंदर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन भी अपन ऐड कर सकते हैं कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाने के लिए। द सर्विक्स अनराइप, अगर अनराइप हो गई तो अपन क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिनल जेल लगाते हैं अपन 500 माइक्रोग्राम इंट्रा सर्वाइकल, जो 1 से 2 mg पोस्टीरियर फोर्निस किस द इंसर्टेड करते हैं, मैक सर्विक्स द राइप हुआ या नहीं हुआ, एंड लोअर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन कैन बी परफॉर्म, अगर रप्चर जो लोअर पोल वाली जो रप्चर मेम्ब्रेन है वो रप्चर हुई नहीं हुई, अपन इसको क्या करते परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि हुआ हो कि नहीं हुआ, या प्रोस्टाग्लैंडिन अगर पता लग जाता है कि सर्विस डायलेट नहीं हो पा रही है, यहाँ पर राइपनिंग नहीं हो पा रही है, तो अपन क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन का 500 माइक्रोग्राम का जेल लगाते हैं इंट्रा सर्विकल, या 1 से 2 mg का कहते हैं पोस्टीरियर फोर्निस का कहते हैं इंसर्ट करते हैं, जिससे सर्वाइकल क्या होता है डायलेट हो जाती है या राइपनिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है लोअर जो लोअर पोल वाला जो एरिया है मैम को क्या कहते हैं रप्चर हो जाती है कैन परफॉर्म, जिससे क्या होता है फीटस का आसानी से एक्सपल आउट हो जाता है। ठीक है, अपन ये मेथड यूज करते हैं कि राइपनिंग में कौन सा मेथड यूज करते हैं और अनराइपनिंग में कौन सा यूज करते हैं। राइपनिंग अगर सर्वाइकल डायलेटेशन तो आसानी से हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं, और अब अनराइपनिंग में क्या होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन लगाते हैं जिससे वो सर्विस डायलेट हो जाए, जिससे फीटस बाहर की ओर निकल जाए। इन सीवियर प्रीक्लेम्पशिया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुड बी यूज ड्यूरिंग द इंडक्शन, अगर आप इंडक्शन ऑफ लेबर कर रहे हैं मतलब डिलीवरी करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर सीवियर प्रीक्लेम्पशिया कंडीशन हो तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देना
ज़रूरी है, जिसको हाँ ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल कर सके, इसलिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग उसे प्रिस्क्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मेथड थे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन सीजर इंस्ट्रक्शन की, बात करेंगे कि ये तो था कि इंडक्शन ऑफ लेबर अपन बात करेंगे, इस इंडक्शन ऑफ जो डिलीवरी थी वो किसके थ्रू हो रही थी वेजाइनल के थ्रू हो रही थी, तो उसका अपन किया। नेक्स्ट देखते हैं अपन सीजर इंस्ट्रक्शन करना, तो अगर मान लो अपन को लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर सेगमेंट यूट्राइन बात कर सकते हैं कि LSCS की बात कर सकते हैं, लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन की बात कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो सीजरियन सेक्शन की बात करेंगे तो इंडिकेशन कौन कौन से होते हैं इसके, इंडिकेशन की बात करेंगे तो वैन अर्जेंट टर्मिनेशन इंडिकेशन एंड सर्विदा अनफेवरेबल, अगर मान लो किसी को अर्जेंटली टर्मिनेट कराना है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है, प्रेगनेंट डिलीवर करवानी है या फीटस को बाहर निकालना है, उस कंडीशन में सीजरियन सेक्शन करते हैं या सर्विस के वहाँ अनफेवरेबल हो, मतलब एक तरीके से अपन ने प्रोस्टाग्लैंड भी दे दिया, अपन ने ऑक्सीटोसिन दे दिया, तब भी अगर डायलेट नहीं होती, अनफेवरेबल में कंडीशन में हो सर्विस, तो अपन को सीजरियन सेक्शन करना ज़रूरी है। सीवियर प्रीक्लैम्पसिया कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सीवियर है कि अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब अपन को क्या करना पड़ेगा, सीजरियन सेक्शन करना पड़ेगा। एसोसिएट कॉम्प्लिकेशन फैक्टर्स, आपको पता चलता है ये फैक्टर्स अगर मान लो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेज है, कि इससे कॉम्प्लिकेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन से भी क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में भी सीजरियन सेक्शन करना ज़रूरी है। द ऑपरेशन शुड बी डन बाई एक्सपीरियंस सर्जन विद द ऑफ एन एक्सपर्ट एनेस्थेसिस्ट, इपिड्यूरल एनेस्थेसिया इज प्रिफेयर, कि आपको ऑपरेशन करते हैं तो एक्सपीरियंस क्या होता है, सर्जन होना ज़रूरी है, जो एक्सपीरियंस जो बंदा है जो बोल सकते हैं अपन एक्सपीरियंस जो डॉक्टर है जो बहुत ज़्यादा मोर एक्सपीरियंस है, एंड द एक्सपर्ट एनेस्थेसिया एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक्सपर्ट होना चाहिए। इपिड्यूरल एनेस्थेसिया इज प्रिफर्ड, और इपिड्यूरल एनेस्थेसिया आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कौन किस टाइम पे, जब सीजेरियन सेक्शन कर रहे हैं, जो सीजेरियन सेक्शन के थ्रू बी फ्रेस को बाहर की ओर निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऑपरेशन करते हैं, एक्सपर्ट अपन को सर्जन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वैसे अपन मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो मैनेजमेंट में अपन इसके अंदर ड्यूरिंग द लेबर की बात करेंगे, तो अपन को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देना ज़रूरत होती है, ब्लड प्रेशर को यूरिन आउटपुट को नोट करना होता है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है लेबर के, तो अपन को पूरा अपन को चेकअप करना होता है, प्रिपेरियन कंडीशन में वही अपन को करना होता है। ठीक है, तो अपन को कंडीशन देखनी होती, तो अपन देखेंगे अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रीक्लेम्पसिया का जो मैनेजमेंट है वो अपन एक चार्ट के अंदर थ्रू अपन समझा सकते हैं। ठीक है, इस मैनेज के अंदर जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है पूरी, वो इस चार्ट के अंदर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि किस तरीके से आपको मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आप अगर चार्ट बनाकर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो वो भी अच्छा है, या फिर मैंने जो एक्सप्लेन करके दिखाया है वो उसको देख कर आप इसके अंदर चार्ट को अपन कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर अपन देखेंगे कि कन्फर्म द डायग्नोस, इसका फर्स्ट देखेंगे कन्फर्म द डायग्नोस ऑफ प्रीक्लैम्पसिया, कि कन्फर्म हो चुका है कि डायग्नोस प्रीक्लैम्पसिया कंडीशन, डायग्नोस आपको कन्फर्म हो गया है कि प्रीक्लैम्पसिया है, हाइपरटेंशन कंडीशन हो चुकी है, या बोल सकते हैं जो प्रोटीन की जो लेवल है वो भी इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर बढ़ गया है, आपको इसके अंदर दिख गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन इसी के अंदर, अपन देखते हैं फर्स्टली आपको दो कंडीशंस दिखाई देगी, आपको इसके अंदर दो कंडीशन कैसे दिखाई देगी, एक तो माइल्ड प्रीक्लैम्पसिया कंडीशन दिखाई देगी और सेकंड दिखाई देगा आपको सीवियर प्रीक्लैम्पसिया कंडीशन दिखाई देगी। अगर माइल्ड प्रीक्लैम्पसिया कंडीशन दिखाई देती है तो आपको किस तरीके से क्या करना है, और सीवियर की प्रीक्लैम्पसिया कंडीशन दिखाई तो आपको किस तरीके से क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो माइल्ड वाली कंडीशन अगर मिलती है तो आपको पेशेंट को क्या करना है, रेस्ट करवाना है, क्या करवाना है, रेस्ट करवाना है। रेस्ट करवाने के बाद डे केयर यूनिट में आप लेके जाओगे पेशेंट को, कि डे केयर यूनिट के अंदर आप लेके गए पेशेंट को, तो उसके अंदर क्या क्या करवाया, डे केयर यूनिट में पहले तो ब्लड प्रेशर उसका चेक करवाया 4 टाइम इन द डे। आपको पता लगा कि 4 टाइम इन द डे क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो सपोज कर लो कि अगर मान लो कोई पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर अगर मान लो मॉर्निंग उसका हाई ब्लड प्रेशर आया, आपने उसका दिन में चेक किया तो उसका नॉर्मल आ गया, तो एक तरीके से वो ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है। अगर मान लो आपने उसको पूरे दिन आप उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जो उससे भी हाई आता जा रहा है, 2-3 दिन किया ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता जा रहा है, तो आपको एक तरीके से क्या हो जाएगा, जो हाइपरटेंशन वो क्रोनिक कंडीशन हो गई है, तो आपको ब्लड प्रेशर क्या करना है, चेक करना है 4 टाइम्स। रेगुलरली किडनी एंड लीवर फंक्शन क्या करना है, आपको टेस्ट करना है, क्योंकि इसमें ओलिग्यूरिया की कंडीशन होती है, किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं, ओलिग्यूरिया कंडीशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक कंडीशन इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि एडिमा की कंडीशन भी हो जाती है। प्लेटलेट्स काउंट चेक करना है, प्लेटलेट्स काउंट क्यों चेक करना है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रीक्लैम्पसिया के, उसके अंदर हेल्थ सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, और हेल्थ सिंड्रोम के अंदर क्या होती है, जो प्लेटलेट्स काउंट होती है वो क्या होती है, बिल्कुल लो चली जाती है। नेक्स्ट आप बात करोगे उसके अंदर, नेक्स्ट करोगे आप इसके अंदर करोगे तो आप 24 होल यूनिट आप करोगे, 24 होल यूरिन प्रोटीन आप चेक करोगे, 24 होल यूरिन प्रोटीन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि 24 होल यूरिन को कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर प्रोटीन का लेवल चेक करते हैं, अगर उसके अंदर ज़्यादा जाती है प्रोटीन यूरिया कंडीशन हो जाती है। फीटल वेलबींग टेस्टिंग आपको करना है, फीटल वेलबींग टेस्टिंग कैसे करोगे, आपकी फीटल उसका एक्यूरेट है नहीं है, उस चीज़ को आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फीटल किक चार्ट चेक करना है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट चेक करना है, कार्डियोग्राफी चेक करनी है,
बायोफिजिकल रूटीन प्रोफाइल करना है, डॉपलर स्टडी करनी है आपको, अम्लाइकल आरटी ब्लड फ्लो की, अम्लाइकल आरटी में प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, तो आपको डॉपलर क्या करनी है, स्टडी आपको करनी है, ठीक है। कंप्लीट कंट्रोल आपको ये कंडीशन करने के बाद क्या करोगे, कंप्लीट कंट्रोल द नो एविडेंस ऑफ द सीवियर प्रीक्लेम्पसिया। अगर आपने ये चेक कर लिया डे केयर आपने यूनिट का, आपको सब कुछ पता चल गया कि माइल्ड प्रीक्लेम्पसिया तो कंप्लीटली कंट्रोल हो गया, नो एविडेंस ऑफ द सीवियर प्रीक्लेम्पसिया कंडीशन, कोई भी आपको ऐसा एविडेंस नहीं मिला, नहीं मिला कि जिससे आपको पता चले कि प्रीक्लेम्पसिया कंडीशन सीवियर है या नहीं, क्योंकि आपने सारा ये चेकअप किया, चेकअप करने के बाद आपको पता चल गया कि प्रीक्लेम्पसिया कंडीशन सीवियर है या माइल्ड है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने के ज़्यादा चांसेज हैं, तो आपको एक तरीके से क्या हो, कंप्लीटली क्या हो, कंट्रोल हो गया। कंट्रोल होने के बाद टेक प्रेगनेंसी अप टू 38 वीक्स, आप उसको प्रेगनेंसी करवा सकते हो 38 वीक तक, मतलब आपको पता लगे कि उसकी प्रेगनेंसी है, ये 38 वीक तक आप करें तो उसकी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी है, बहुत ज़्यादा डिलीवरी कर सकते हैं या प्रेगनेंसी है, तो इंडक्शन ऑफ लेबर एट 38 वीक पर आप इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं, गेस्टेशन विद द प्रोस्टाग्लैंडिन ई1 जेल के साथ, एमनिटोमी है, ऑक्सीटोसिन देकर उसको क्या करते हैं अपन, उसका इंडक्शन ऑफ लेबर अपन कर सकते हैं, सीजन एंड डिलीवरी कराने की जरूरत नहीं हो सकती इसके अंदर, ठीक है। और वेजाइनल डिलीवरी अपन को कराना जरूरी है कि इंडक्शन ऑफ लेबर करा के अपन ने क्या किया, इसका वेजाइनल डिलीवरी अपने करवा दी, जब कौन सी कंडीशन के अंदर, जब इस कंडीशन के जब कंट्रोल है, कंप्लीटली कंट्रोल है, कोई भी प्रोस्टा कोई भी प्रीक्लेम्पसिया कंडीशन सीवियर कंडीशन हो सकते हैं, कि अपन को कोई एविडेंस ऐसा नहीं दिखा कि सीवियर कंडीशन हो सकती है, तब अपन ये अपन को करना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर मान लो ये कंडीशन आपने चेक किया और चेक करने पर कि डू नॉट कंटर द कंट्रोल, अगर कंट्रोल नहीं होती, ये चेक करने के बाद पता लगा कि प्रीक्लेम्पसिया कंडीशन कंट्रोल नहीं है, तो आपको क्या करना है, मैनेज लाइक एज ए सीवियर प्रीक्लेम्पसिया, आपको कैसे चेक करना है, आपको कैसे मैनेज करना है, जो सीवियर प्रीक्लेम्पसिया कंडीशन है जो यहाँ दे रखी है उसकी तरह आपको क्या करना है, मैनेज करना है। अब सीवियर प्रीक्लेम्पसिया कंडीशन में आपको क्या क्या करना है, पहले तो उसको पेशेंट को एडमिट करना है, एडमिट करने के बाद ऑल टेस्ट करना फॉर द माइल्ड प्रीक्लेम्पसिया, जो इसमें जो टेस्ट किए थे आपने सारे ये टेस्ट किए थे वही टेस्ट करना इसके अंदर जरूरी है। नेक्स्ट में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देना जरूरी है, जिसका डायलोस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है अगर 100 mmHg से ऊपर हो, या मिथाइल डोप अपन को देना है, TDS देनी है 250 mg और 2500 mg तक, QDS देनी है या लेबिटोलॉल देनी है आपको 100 mg, BD कैन बी द इंक्रीज द 200 mg, TDS आपको बाद में कर देनी है, कौन सी कंडीशन में, जब उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, एंटी हाइपरटेंशन अपन को ड्रग देनी हो, तब ये अपन को कंडीशन करनी है। जब ये इन्वेस्टिगेशन तो ऑल इंक्लूडेड इन्वेस्टिगेशन तो करानी ही है, पर साथ में क्या करना है, अपन को हाइपरटेंसिव ड्रग स्टार्ट करनी है। सडेशन में भी गिवन, आप इसको सडेशन भी दे सकते हो, ठीक है, सडेशन दे सकते हो पेशेंट को, जिससे क्या होता है कि जो मसल्स है जो तो सडेशन दोगे उसका माइंड जो है ऑटोमेटिक जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हाइपरटेंशन कंडीशन नहीं होगी या सीजर्स नहीं आएंगे, तो अपन सडेशन अपन दे सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होता है सीजर्स आने के, अगर सडेशन देखो तो वो सीजर्स आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर ये देने के बाद अगर बीपी कंट्रोल हो जाता है, कि बीपी अंडर कंट्रोल हो, तो टेक द अप टू 38 वीक एंड द इंड्यूस लेबर ऑफ माइल्ड प्रीक्लेम्पसिया, कि आप उसको अंडर कंट्रोल, तो वो कंडीशन आपको क्या करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं, इंड्यूस ऑफ लेबर अपन कर सकते हैं माइल्ड प्रीक्लेम्पसिया की कंडीशन की तरह। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, इफ बीपी इज नॉट अंडर कंट्रोल, अगर नहीं होता है, तो साइन एंड सिम्टम ऑफ सीवियर प्रीक्लेम्पसिया, इमिटेंट और इक्लेम्पसिया, मतलब आप बोल सकते हैं, अपन पहचान सकते हैं या बोल सकते जान सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कंडीशन सीवियर हो जाए, तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी प्रोवाइड करानी है। मैग्नीशियम सल्फेट क्यों देनी है, क्योंकि हाइपरटेंशन कंडीशन को, या बोल सकते हैं सीजर्स की कंडीशन को कंट्रोल कर सके। एंटी हाइपरटेंसिव देनी है, आईवी थेरेपी, स्टेरॉइड देना है, बीटामेथासोन देना है, थेरेपी देनी है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवानी है। एक तो होती है सर्विक्स फेवरेबल, अगर सर्विस फेवरेबल है, और एक सर्विस अनफेवरेबल है, तो उस कंडीशन में सर्विस फेवरेबल है तो अगर मान लो इंडक्शन ऑफ लेबर एंड द वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं एज एन माइल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रीक्लेम्पसिया, माइल्ड प्रीक्लेम्पसिया कंडीशन की तरह। अगर सर्विस अनफेवरेबल है, अनकंट्रोल है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, सीजेरियन डिलीवरी करानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो डायग्राम बनाया हुआ है मैंने पूरा, ये एक तरीके से जो चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट क्या है, किसका है, ये प्रीक्लेम्पसिया का मैनेजमेंट है। आप इस चार्ट के थ्रू आप पूरे मैनेजमेंट को आप शो कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है, तो इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिए, आप उसको पूरा समझ लीजिए कि किस तरीके से बना होता है, इसके वजह से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मैनेजमेंट था, समझ में आ गया। तो प्रीक्लेम्पसिया कंडीशन में आप सीजरियन डिलीवरी भी करा सकते हो, और आप भी कैसे नॉर्मल डिलीवरी भी अपन बोल सकते हैं, वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं, उसमें कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो ठीक है। यह आपका टॉपिक मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया है, प्रीक्लेम्पसिया मेरी साइड से बिल्कुल फिनिश हो गया है। अपन नेक्स्ट जो अपन स्टार्ट करेंगे, कल अपन जो स्टार्ट करेंगे वो अपन स्टार्ट करेंगे प्रीक्लेम्पसिया की कंडीशन अपन स्टार्ट करेंगे। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स के अंदर जो दो थे इंपॉर्टेंट, प्रीक्लेम्पसिया और इक्लेम्पसिया, इसमें प्रीक्लेम्पसिया मैंने कंप्लीट कर दिया है,
अब इक्लेम्शिया रहा है वो अपन करेंगे 2-3 दिन, आप उसको भी 3-2-3 दिन का टॉपिक है वो, इसमें भी तो टाइम लगेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंटिन्यूस आप देखते रहिए और समझते रहिए और नोट्स कंटिन्यू लिखते रहिए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।